I have talked with his daughter also. I promised ki he will come back. We have done everything. We have put him on ventilator also, but still we couldn't make. We are really sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेक डाउन है हम डॉक्टर्स में सबको कोई ना कोई समय हो रहा है बिकॉज वी हैव नॉट बीन सो हेल्पलेस. ओके बिकॉज आपके इस क्वेश्चन से मुझे अपने पेरेंट्स याद आ गए जिनसे मैं काफी टेंशन नहीं मिली. सो मतलब पेशेंट के साथ वालों बता दिया दादा कि इसको बाहर भी नहीं भेज सकते इसीलिए उसकी हालत बहुत खराब है. 2 घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई जो कि 30% में मैं आपको बोल चुका हूँ ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता. हम तो इंसान है डॉक्टर है और वो जैसे ही खत्म हुआ मैं वहीं था. खत्म होने के बाद पता नहीं कहाँ से कुछ बाहरी लोग आ गए 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ. मैं रो रहा हूँ मुझे मुझे नौकरी नहीं करना. नमस्कार दोस्तों. सो आज जो भी आपने वीडियो देखा वो मैं चाह रहा था कि आप देखो और खुद ही रियलाइज करो कि जो हुआ उनके साथ क्या वो सही है या नहीं. हर प्रोफेशनल में कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ लोग बुरे होते हैं. तो एक के बुरे काम के लिए आप हर पूरे कॉम को या पूरे समुदाय को या पूरे प्रोफेशन को आप गाली नहीं दे सकते. आपको पता है डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है. माँ बाप तो भगवान का रूप है ही डॉक्टर को भी दिया गया है. तो इस पेंडेमिक टाइम पे जब ये पेंडेमिक 100 साल में एक बार आता है और हम लोगों को पहली बार ये रियलाइज हुआ कि ऐसा भी कुछ वायरस है. किसी को भी नहीं पता था. कोई भी यहाँ 100 साल के पुराने डॉक्टर नहीं है. सब यंगस्टर हैं. कोई यहाँ तक कि कोई मैंने ये भी देखा कि कोई 7 महीने की प्रेग्नेंट डॉक्टर है वो भी आपकी सेवा में लगी रही. कुछ नहीं रहे डॉक्टर कुछ रहे. कोई 24 साल का डॉक्टर हमें छोड़ के चला गया. उनकी एज ही नहीं थी जाने की. तो वो सिर्फ आपके लिए ही उन्होंने अपना वो अमर हो गए. लेकिन आप ऐसा करोगे? मुझे लगता है ये लोग अनपढ़ हैं. ये लोग इमोशनल फूल हैं. आई थिंक सो. इतने इमोशनल फूल अंधविश्वास सॉरी टू से दैट जिन्होंने भी इनके साथ डॉक्टर के साथ ऐसा किया उनको कार्रवाई होनी ही चाहिए. डॉक्टर अपनी जान डॉक्टर क्या नर्सेस हॉस्पिटल में जो भी हैं हाउसकीपिंग मुझे खुद पता है. जब मैं कोविड हॉस्पिटल गया था तब उन्होंने कितनी केयर की थी हमारी. वो पूछ रहे थे आपने खाना खाया कि नहीं खाया. इतना केयर कौन करता है जिस टाइम पे आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं देते वो नहीं आ पा रहे आपके देखने के लिए. वहां एक डॉक्टर एक हाउसकीपिंग एक नर्स एक XYZ जो हॉस्पिटल में वो आपकी केयर कर रहा है आपके पूछ रहा है आप कैसे हो आपकी तबीयत कैसी है और उसके साथ आप ये ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो. मेरे लाइफ में 2014 में मैं एक बार एम्स गया था मॉम को लेकर जब मॉम बहुत सीरियस थी. इनका शुगर 400 हो गया था. तो तब एक लेडी डॉक्टर थी उन्होंने उनकी जान बचाई. और अब कोरोना का टाइम में जब हम लोग पूरी फैमिली कोविड में ग्रस्त थे और हम हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने हमारी बहुत केयर की. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज डॉक्टर प्लस दुनिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको मेरी तरफ से सल्यूट है. चाहे वो नर्स हो हाउसकीपिंग जो वहाँ काम करती हो चाय देने वाला हो खाना बनाने वाला हो सबको मेरी तरफ से सलाम है. क्योंकि वैसा काम निस्वार्थ भाव से कोई नहीं कर रहा. हाँ मानता हूँ कुछ हॉस्पिटल्स हैं कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि अभी भी बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए इन लोगों का काम अनदेखा नहीं किया जा सकता. तो हम सब मिलके उनको प्लीज उनको काम करने दें. और जब ये सब खत्म हो जाए प्लीज उनको ट्रिब्यूट दे उनको उनको ऐसा महसूस कराए कि यस दे आर द रियल हीरो नॉट द मूवी स्टार दे आर द रियल हीरो. जय हिंद. टेक केयर. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.